Hello everyone, welcome to FameWorld Educational Hub. Myself, Aishwarya Saxena, and today in the series of Advanced Java, I am going to start with a new program. In the last lecture, I have discussed the addition program, addition in a square program using servlets and using send redirect. So this was the file which we were using in the last lecture. मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू एंड रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स एंड कम बैक टू दिस वन बिकॉज ईच एंड एवरी लेक्चर इज इंटरकनेक्टेड और इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं तो आपको समझने में आसानी होगी अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे. ये लास्ट लेक्चर का कंटेंट है और हम लोगों ने यहाँ पर सेंड रीडायरेक्ट का यूज किया था ताकि दो सर्वलेट्स को हम लोग कनेक्ट कर सके इंटर सर्वलेट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए. अब आज हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं सर्वलेट के थ्रू. यहाँ पर मैंने एक न्यू HTML फाइल बनाई है एंड आई एम गोइंग टू गिव द नेम. यहाँ पर name.html की मैंने एक सिंपल सी फाइल बनाई हुई है और यहाँ कमेंटेड पोर्शन आई विल अगेन रिमूव द कमेंटेड पोर्शन और यहाँ हम लोग यूज करने जा रहे हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का. Request dispatcher और send redirect दोनों ही एक पेज से दूसरे पेज पर एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पर डेटा को सेंड करने के लिए यूज होते हैं बट द इंटरनल वर्किंग ऑफ बोथ ऑफ देम आर टोटली डिफरेंट. इन सभी चीजों को मैं थ्योरी के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी और थ्योरी लेक्चर्स की एडवांस जावा की सीरीज आपको प्ले लिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी तो आप उसे जरूर देखें. यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग देखने जा रहे हैं तो यहाँ पर एज वी हैव टू यूज अ फॉर्म. हम यहाँ पर फॉर्म देंगे, फॉर्म का मेथड देंगे और फॉर्म का एक्शन देंगे. हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज करना है. रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेंड रिडायरेक्ट दोनों का ही काम होता है एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराना. तो यहाँ पर हमने फॉर्म के अंदर सपोज एक मैसेज देंगे, एक एंटर एंटर द नेम. वी कैन यूज एनीथिंग. यहाँ एक डमी प्रोग्राम है ये ताकि आपको समझ में आए कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या होता है. हमारा यहाँ पर कंसेप्ट फॉर्म बनाना नहीं है, यहाँ हमारा मोटिव है कि हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर समझ सकें. इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम हम इसका दे देते हैं NM. आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और एक सबमिट बटन हमें जरूरत होगा तो यहाँ पर मैंने BR लगाया है और फॉर द नेक्स्ट लाइन इनपुट टाइप equals to submit name equals to submit and value equals to submit again. ये आपको इस तरीके से मैंने एक फॉर्म बना लिया है और यहाँ पर हम get method यूज कर लेते हैं. अभी अगर मैं इस फॉर्म को रन कराती हूँ, इस पेज को रन कराती हूँ तो हमको सिंपली यहाँ पर एक वेब ब्राउजर पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा एंटर द नेम और यहाँ पर सबमिट. बट अब अगर यहाँ पर नाम ना टाइप कर रहे हैं सपोज और सबमिट कर रहे हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. द रीजन इज दैट यहाँ एक्शन परफॉर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने एक्शन कुछ दिया ही नहीं है. सो उसके लिए हम कोई एक्शन देंगे जैसे कि आप पिछले सर्वलेट्स में ऑलरेडी देखते आ रहे हैं कि जब भी हम सर्वलेट बनाते हैं वी हैव टू मैप द सर्वलेट. तो हमने यहाँ पर सपोज नेम के लिए नेम एक्शन दे दिया है, यहाँ पर समझने के लिए नेम ही दिया है. अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी सर्वलेट जिसमें फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी रिक्वेस्ट डिस्पैचर की. सो रिक्वेस्ट डिस्पैचर की फंक्शनैलिटी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू जावा क्लास इन द पैकेज FameWorld और इसका नाम हम रख रहे हैं लेट इट बी नेम सर्वलेट. और ये आपका एक नया सर्वलेट क्रिएट होके आ गया है. यहाँ पर हम कमेंटेड पोर्शन रिक्वायर्ड नहीं है उसे रिमूव कर रहे हैं और इसे सर्वलेट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सटेंड HTTP सर्वलेट एक्सटेंड करेंगे. और यहाँ पर हम एज हम लोगों ने यूज किया था गेट का एक्शन में यहाँ पर हम लोगों ने गेट यूज किया था तो अब यहाँ पर हम लोग डू गेट का ही यूज करेंगे. और
अब यहाँ पर सर्विस की जगह हम लोग चेक कर रहे हैं अलग अलग HTTP, मतलब हम लोग यहाँ पर डू गेट और डू पोस्ट और सर्विस तीनों का यूज करके देख रहे हैं, और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से तीनों वर्क करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर में हम लोग यूज कर रहे हैं डू गेट का। अब यहाँ पर हमें HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का यूज करना होगा, और आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको ऐड करती जा रही हूँ वैसे वैसे हमारे यहाँ पर क्लासेस इंपोर्ट होती जा रही हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रिंग, क्योंकि हमारा नेम जो है वो स्ट्रिंग में होगा, तो हमने एक स्ट्रिंग एन ले ली है। सिंपली जो काम पहले करते थे काम वही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। और हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे स्ट्रिंग की। अब यहाँ पर कन्वर्जन परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी टेक्स्ट बॉक्स स्ट्रिंग ही लेता है और हमें भी स्ट्रिंग ही चाहिए। हमने यहाँ वहां पर नेम NM लिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम NM लिया था, नेम टेक्स्ट बॉक्स का नेम, और वही टेक्स्ट बॉक्स का नेम हमें यहाँ पैरामीटर में पास करना है। और यहाँ पर हम मिस कर गए हैं इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, दैट्स व्हाई एरर शो कर रहा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने नेम मंगा लिया है। अब हमें बेसिकली नेम को एक दूसरी सर्वलेट पे पहुंचाना है, बिकॉज हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट डिस्पैचर देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से नया काम शुरू होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। उसके लिए हमें REQ लिखना होता है। REQ इज द रिक्वेस्ट की जो आपके HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वही है, REQ.getAttribute। अभी हमें यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट जो ले रहे हैं ये N लिया है हमने, यहाँ हम डबल कोट्स में N देंगे कॉमा N देंगे और सेमी कोलन। अब आप देखिए यहाँ पर N को हमने मैप करा दिया और दूसरा वेरिएबल भी हम दूसरा वेरिएबल N ले लिया है। अब यहाँ पर हम अपनी रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्लास का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और जैसे हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यहाँ पर लेंगे इंपोर्ट होके आ जाएगा जावा की क्लास यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है क्लास का, RD, रिक्वेस्ट डिस्पैचर को RD ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है। और अब हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर में गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर लेंगे, और यहाँ पर हम सपोज हमने नेम 1 दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने एट्रीब्यूट सेट कर दिया है request.setAttribute, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD रिक्वेस्ट डिस्पैचर में नेम 1 हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी है। अब हम लोग यहाँ RD जो कि ऑब्जेक्ट था रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, हमने बनाया था यहाँ पर RD, तो RD.forward का यूज करते हैं, और इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर REQ और रिस्पॉन्स पास किया हम लोगों ने। अब हम लोग अपना दूसरा सर्वलेट बनाएंगे जिसमें हम लोग इसे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू रिक्वेस्ट को अनदर पेज पर डिस्पैच कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम दो सर्वलेट्स में इंटर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके। तो हमने यहाँ पर फिर से एक जावा क्लास बनाई है, और वो हम सर्वलेट बनाएंगे इसे नेम एंड, और यहाँ पर हम कमेंटेड पोर्शन रिमूव कर देंगे, और एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, और यहाँ पर हम अब हम लोग यहाँ पर पब्लिक वाइट डू गेट का यूज करेंगे एज वी हैव यूज गेट मेथड। गेट को हमने मेथड की तरह यूज किया इसलिए हम लोग गेट का यूज करेंगे। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर HTTP का H कैपिटल होगा। एंड REQ फॉर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, फिर HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, और इसके लिए हमने RES ले लिया। अब इसके अंदर हमको सिंपली गेट करना होगा जो हमने वहां पर सेट किया था। हमने यहाँ पर सेट किया था एट्रीब्यूट N, यहाँ आप देख सकते हैं हमने एट्रीब्यूट N सेट किया था, तो इसको अब हम इस वाले पेज पर गेट कर लेंगे। तो उसके लिए वी जस्ट हैव टू स्ट्रिंग N स्ट्रिंग
क्योंकि रिक्वेस्ट डिस्पैचर को हमें कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में गेट एट्रीब्यूट, और हम यहाँ पर n दे देंगे, हमने n सेट किया था सिंपली n, एंड नाउ वी विल प्रिंट इट, तो प्रिंट राइटर हम लोग उसके लिए यूज कर लेंगे, प्रिंट राइटर हमने यहाँ पर क्लास इंपोर्ट करा ली है, इसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट आउट बना लिया और रेस्ट डॉट गेट राइटर सेमीकोलन एंड नाउ आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हम लोग प्रिंट करा लेंगे नेम को, और हमारा नेम n में है तो हमने n वेरिएबल को प्रिंट करा लिया। इस तरीके से हमारे दोनों ही प्रोग्राम्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हम लोग उसको रन करा लेंगे अपने फाइल को, तो हमें सबसे पहले जाना होगा नेम सर्वलेट पर, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली नेम डॉट एंड पर जाएगा। यहाँ पर ये एरर है जिसकी वजह से और इस फाइल को रन कराने के लिए एक काम जो हमने नहीं किया है उसके लिए हम लोग को web.xml में इसको मैप कराना होगा। हम लोगों ने दो नई सर्वलेट्स बनाई है नेम और नेम एंड, तो हम यहाँ से सर्वलेट क्लास और सर्वलेट मैपिंग को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद वी विल मैप इट। ये चीज आपको हमेशा करनी होगी जब भी आप नई सर्वलेट बनाते हैं, यू हैव टू मैप द सर्वलेट बिकॉज उसके बिना आपकी सर्वलेट रन नहीं करेगी। यहाँ पर हम लोगों ने जो name.html का पेज लिया था, यहाँ पर नेम इसका नेम एक्शन में था और ये लिंक हो रहा था नेम सर्वलेट से, तो अभी हम लोग यहाँ पर सपोज नेम ही दे देते हैं, नेम सर्वलेट का नेम हमने नेम दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं abcxyz, और यहाँ पर framework.sq सर्वलेट की जगह हमें लिंक करना है नेम सर्वलेट से, और यहाँ पर जो हमारा url पैटर्न है वो जो एक्शन दिया था वही है, तो url पैटर्न हमारा होगा नेम, और ये आप यहाँ पर चेक कर लें कि नेम स्मॉल में लिखा था तो आपका नेम यहाँ पर भी स्मॉल में ही होना चाहिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने जितने भी कोड थे यहाँ पर हैं, और आपको इसी तरीके से हर बार इसको करना होगा। अभी हमने एक को लिंक किया है, अब हम दूसरी सर्वलेट को भी लिंक कर देंगे, और ये हमने दूसरी सर्वलेट को लिंक करने के लिए अब यहाँ पर हमने लिया था नेम वन, तो यहां पर हम नेम वन से लिंक करेंगे। तो अब हमें यहां पर क्या करना होगा, सपोज इसको हम नेम एंड कर देते हैं और नेम एंड के अंदर अब ये जाएगा नेम एंड सर्वलेट पर, और इसको हम नेम वन देंगे। तो अब ये हमारी सर्वलेट जो है वापस में इंटरकनेक्ट हो गई है, सब लिंक्ड हैं, यहां कोई एरर नहीं है। अब हम अपनी नेम सर्वलेट को सिंपली रन कराएंगे, हमने इस फाइल को रन कराया है सॉरी अपने name.html फाइल को, तो आप यहाँ देख सकते हैं एंटर नेम आ रहा है, और सपोज हमने यहाँ पर नेम एंटर किया है, सबमिट करेंगे तो यहाँ पर कोई एरर आ रही है, और यहाँ पर एरर है आपकी इंटरनल एरर रिट्रीवेंस फ्रॉम फ्यूजन सर्विस, maybe some refreshing problem, let's restart the file, the files were name servlet name and our web.xml file, okay। अभी यहाँ पर हम लोगों ने लिया है name, और इसमें name.html में action name दिया हुआ है, web.xml की file में हम देख सकते हैं कि हमने name को link कराया है name servlet से। name servlet पर हम जब जाएंगे तो हमने यहाँ पर name one request dispatcher में दिया हुआ है जो कि URL पैटर्न लिंक होगा, तो नेम वन को हम नेम एंड से लिंक करा रहे हैं और नेम एंड में हम लोग सिंपली प्रिंटिंग करा रहे हैं। लेट्स रन द फाइल अगेन, यहाँ पर हमारी फाइल लोड होके आ गई है, लेट्स ट्राई इट वंस अगेन।
अब आप देख सकते हैं वो रिफ्रेश की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, कभी कभी ऐसा होता है। अब रीस्टार्ट कर सकते हैं नेटबीन्स को, मैंने भी नेटबीन्स रीस्टार्ट किया है। अब आप देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट ऐश्वर्या सक्सेना इजिली आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को मेनली सीखना क्या था कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे यूज हो रहा है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिए ये तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग डिस्पैच कर सकते हैं आने वाली रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वलेट्स पे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस सीरीज में आगे हम लोग प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, कुछ स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। साथ ही साथ जो प्रोग्राम हम लोग करेंगे आपके करिकुलम में बहुत हेल्प करने वाले हैं और जावा सीखने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि हम ईच एंड एवरी प्रोग्राम इज कंटेनिंग सम कंसेप्ट। जैसे इसमें हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज किया है, प्रीवियस में हमने सेंड रीडायरेक्ट यूज किया था। तो इस तरीके से आप इस सीरीज को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप देखते चले, पर डे वीडियोस को जो अपलोड होते हैं, तो आपको एडवांस जावा सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी, इट्स माय गारंटी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब फेमवर्ड एजुकेशनल हब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फेमवर्ड एजुकेशनल हब के व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इन्विटेशन लिंक के थ्रू, ताकि आप वहां पर और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टेक्निकल चीजों को जान सके। वहां पर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है शेयर होती है, साथ ही साथ लिंक्स भी शेयर होते हैं इस चैनल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फेमवर्ड एजुकेशनल हब। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।